चलिए अब मैं सीओ साहब से और कोई सवाल नहीं करूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई ये मैं आपको बताता हूं। उस रात जब कैप्टन कपूर मैच से लौटे तो नशे में धुत थे, डेड ड्रंक। जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचे उनकी पत्नी बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी मुझे मत छुओ, यू आर ड्रंक, यू आर स्टिंकिंग, डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार थे, अपनी पत्नी का गाउन फाड़ डाला और उसे कहने लगे चुपचाप बिस्तर पर आ जाओ, जानती नहीं कौन हूं मैं, आई हैव अ लाइसेंस टू स्लीप विद यू, मैं हूं कैप्टन बीडी कपूर। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी शिकायत सीओ से कर दूंगी। लेकिन कैप्टन कपूर नशे में अंधे हो चुके थे, अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा और उसे जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगे सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है, तू शिकायत करेगी सीओ से मेरी तू। इसके बाद उन्होंने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट उनकी पत्नी के कान के पास लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन नशे में चूर कैप्टन कपूर को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। और देखिए केस बनाया गया है कि उनकी पत्नी का पैर फिसलने की वजह से चोट लगी है। जी हाँ ऐसा ही होता है, हमेशा पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बहुत सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग वर्मा कई वर्षों से रंगमंच से जुड़ा हूँ। बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और इससे अलग मैं सरकारी गैर सरकारी बहुत सारे संस्थानों में अभिनय प्रशिक्षण, अभिनय टीचिंग का काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। अभी भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर मैं बहुत जगह जाता हूँ। उसके साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में, सीरियल्स में काम किया है। जैसे अभी भी DD1 पे आजकल एक जातक कथाएं नाम से सीरियल चल रहा है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स में मैं लीड रोल में आपको दिखाई दूंगा। और इसके साथ साथ अभी जो हमारा काम चल रहा है वो क्रांतिकारी हमारे जो देश के थे शहीद जो रहे हैं उनकी कहानियां, उनके घटनाएं, संस्मरणों पे हम एक सीरीज बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी इस दौरान हम पर्यावरण पर एक फिल्म है जिसके लेखन का प्री का काम हमारा चल रहा है। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन की समस्याएं खत्म होती हैं और प्रॉपर शूटिंग को परमिशंस मिलती हैं उसके बाद हमारा फिल्म का शूटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्टिंग के बारे में। अगर आप देखेंगे बड़ी मज़ेदार बात है कि एक्टिंग सबसे पुरानी कला है, सबसे पुरानी। हम जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब एक्टिंग करते हैं और इतनी प्राचीन कला होने के बाद, मतलब आप देखेंगे अगर आप गौर करें, आपने कभी शिकार करते हुए चीते को देखा होगा, शेर को देखा होगा, तो क्या है वो अपने शिकार के सामने वो एक्टिंग करता है, वो आभास नहीं होने देता अपने होने का, अपने आप को छुपा लेगा, झुंड इतनी बड़ी है तो उनके नीचे अपने आप को छुपा लेगा। तो वो एक्टिंग सारे जीवधारियों की जरूरत है, मतलब जितने भी जीव हैं हम सब कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो आर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्ट जो आती है वो आती है एक्टिंग। तो दोस्तों अभिनय जो है सबसे प्राचीन सबसे पुरानी कला है, ठीक है। ये बात तो हुई इंसान के या जीवों के लक्षण की, मतलब उनके लक्षण थे उनकी बॉडी में या उनके एटीट्यूड में, है ना, उनका पर्सनैलिटी का हिस्सा थी एक्टिंग। लेकिन धीरे धीरे ये परिष्कृत होने लगी, लोग इस पर अनुसंधान किया लोगों ने और ये धीरे धीरे अपने क्लासिकल रूप की तरफ बढ़ने लगी। तो इतना ज़्यादा अब उसके बाद भी परिष्कृत होने के बाद भी ये इतनी पुरानी कला है कि इसका जिक्र आपको वेदों में मिलेगा, हमारे जो वेद हैं चारों उनमें मिलेगा, रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा। तो ये तो एक बहुत अच्छा पार्ट है कि एक एक्टिंग इतनी पुरानी कला है। अच्छा की क्यों जाती थी, ये जो लोग दुखी हैं, थके हुए हैं काम से, परिश्रम करके, मतलब उनको सुकून मिले, उसके लिए फिर इसको परिष्कृत किया गया, लोगों को हंसाया जा सके, उनको शिक्षा संदेश उन तक पहुंचाए जा सके। लेकिन दुखद पहलू क्या है, दुखद पहलू ये है कि इतनी पुरानी होने के बाद भी आज भी हम लोग एक्टिंग में बहुत पीछे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो हम दूसरी आर्ट्स जो हैं, चाहे वो लिखने की कला हो या मतलब गायन हो, नृत्य हो, डांस, इन सब में हम बहुत आगे जा चुके, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और सीखते हैं, बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कई कई सालों की। एक्टिंग में ऐसा नहीं है और कारण भी मैंने अभी इसी बात में कहा है कि लोग सीखते हैं, वर्षों अध्ययन करते हैं, हैं ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन एक्टिंग के साथ यही एक ड्रॉबैक है कि लोग सीखना नहीं चाहते। मतलब मज़ेदार बात यह है कि कई बार मेरे पास लोग आते हैं
कि जी हमारा लड़का ना बेकार निकल गया, पढ़ाई वढ़ाई में बढ़िया नहीं है, तो यार इसको कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कराओ। तो एक्टिंग इस तरीके की चीज़ समझ ली गई कि मतलब बिल्कुल वाहियात, जो कुछ नहीं कर सकता वो एक्टिंग करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप देखेंगे जिन एक्टर्स का काम देख के हम बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और मतलब इंस्पायर्ड होते हैं, उनका आप जर्नी देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना काम किया अपने ऊपर। तो बेसिकली है एक्टिंग पे काम करना ज़रूरी है, एक्टिंग को सीखना समझना ज़रूरी है। मतलब आपके अंदर लक्षण हैं लेकिन आप उसको पर्दे पे कला के रूप में उतारते हुए कहाँ चली जाती हैं वो चीज़ें। आप रियल ज़िंदगी में बहुत बढ़िया झूठ बोलते हैं, अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बना देंगे, घर वालों को बना देंगे, तमाम झूठ अपने टीचर्स से बोल देंगे, है ना, पूरा नाटक करके दिखाएंगे मेरी तबीयत ख़राब है, पैर में चोट लग, मतलब सब होगा, है दयनीय चेहरा बना लेंगे, लेकिन जब कैमरा हमारे सामने आता है या हम मंच पे होते हैं तब बड़ी दिक्कत होती है। मतलब हमारी बॉडी बंद जाती है, हम लोग प्रॉपर, हमारे मॉड्यूलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। सुनते हैं ना, जैसे बोलते हैं बड़ा फ्लैट कर रहा है यार ये, तो फ्लैट का मतलब क्या है कि आपको डायलॉग मिला उसमें इमोशंस ही नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, लाइनें पढ़ रहे हैं। तो बेसिक चीज़ है कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको उन चीज़ की धीरे 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 वैल्यू पता चलती है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ सही रास्ते पे जाना ज़रूरी है। तो सही रास्ते पे जाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने से जो अपने ऊपर काम कर सकते हैं वो दो चीज़ें हैं एक्टिंग में, दो पार्ट, एक हिस्सा जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उसमें, एक आपकी बॉडी और एक आपकी आवाज़ स्पीच। इन चीज़ों पे आप खुद काम कर सकते हैं, घर पे काम कर सकते हैं, अपने प्रोनंसिएशन साफ करें, अपना प्रोजेक्शन ऊँचा करें, अपनी बोलने की जो क्षमताएँ हैं उसको विकसित करें, है ना, वो कर सकते हैं। उनकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, आप अध्ययन करेंगे मिल जाएंगी, उसके लिए भी गुरु की भी ज़रूरत है, लेकिन अपने से भी अगर आप करना चाहें तो होती हैं। उसके साथ आपकी बॉडी बहुत बड़ा पार्ट है, बॉडी को सही लैंग्वेज देने के लिए, एक्टिंग के लिए उसको तैयार करने के लिए आप डांस सीख सकते हैं। डांस ये नहीं कि डांसर बन गए, लेकिन हाँ डांस आपकी बॉडी को रिदम देता है, एक भाषा देता है, है ना, हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, बैलेंसिंग सीखती है और स्टैमिना आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये सब बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए, क्योंकि आपको जो किरदार मिला उस किरदार में अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन हमने डायलॉग याद किया, पढ़ा और अपना सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगा, नहीं। उसके साथ हमारी बॉडी में छोटे छोटी 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 बारीक चीज़ें होती हैं जो जब हम सीख लेते हैं, जब समझ लेते हैं तो वो काम करना शुरू करती हैं। तो दो चीज़ पे सबसे पहले आपको काम करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी स्पीच पे काम करें और अपनी बॉडी पे काम करें, उसको उतना तैयार करें कि आपको कोई भी कैरेक्टर मिले, आपका स्टैमिना अच्छा हो, आप अच्छे से मूव कर पाएं, स्विफ्ट हो मूवमेंट आपके। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों एक्टिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद जो मिलती है वो थिएटर, उसमें एक बड़ा माध्यम हो सकता है आपको अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से हम आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो बहुत काम आता है। हम वहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज मूवमेंट भी करते हैं बहुत बार, वो ठीक है, कई बार लगेगा कि यार किरदार थोड़ा ज़्यादा लाउड कर रहा है, नहीं वो ठीक है कर रहा है, लेकिन उससे बतौर एक्टर आप खुलते हैं, आपकी बॉडी खुलती है, आप अपने आप को ना अपनी बॉडी को कह लीजिए जूम इन जूम आउट करना सीखते हैं, कहाँ कंट्रोल करना है वो फिर आपके ऊपर है, वो आपकी सेंस के ऊपर है कि जब आप कैमरा के सामने आते हैं तब उसको कंट्रोल कर दें, कितना कंट्रोल करना है, ये सब तो फिर प्रैक्टिस का काम है ना। तो ये थिएटर के माध्यम से, अच्छा जब आप थिएटर में तमाम तरह की किताबें, तमाम तरह के किरदार पढ़ते हैं, उनको बार बार पढ़िए, और जब उसे पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उससे कहने का अंदाज, उसके मर्म को आप स्पर्श करना शुरू करते हैं कि हाँ इस किरदार की असल में भावना क्या है। वो इतनी जल्दी समझ नहीं आता, मन से समझ आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेस करने में कहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे सीखते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप इन चीज़ों पर काम करें और साथ में रीडिंग बहुत करें, स्टोरी टेलिंग करना, अपने मम्मी को, अपने भैया को जो भी कहानी सुनाना है उसको देखो आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्या पॉइंट्स थे, कैसे आपने इंटरेस्टिंग बनाया, ये चीज़ें आप अपने आप को चेक करें, देखें कि आप उसमें कहाँ तक जा पाते हैं। धीरे 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 वो बढ़ेगी। और आजकल तो मोबाइल आपके पास है तो आप कैमरा के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने के लिए आपकी मदद करेगा वो, किसी को कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ा दें और ऑन करें, फिर देखें आप किस तरीके से एक्सप्रेसिव हैं, क्या चीज़ें आप ठीक से कर पा रहे हैं, कहाँ कमी कर रहे हैं। तो
ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। और रीडिंग के साथ साथ आप उतार चढ़ाव समझेंगे, आप थिएटर करेंगे तो आपको पता चलेगा किरदारों के वेरिएशंस, है ना। अगर आपको एक राजा का किरदार मिला है तो आपकी आवाज़ में कितना ग्रेस होना चाहिए, कितना प्रोजेक्शन होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब वो चीज़। और उसी जगह आपको फिर एक आलू बेचने वाले का रोल मिला है तो आवाज़ तो लाउड उसकी भी होगी, लेकिन हाँ उसमें एक रफनेस होगी, तो आप उस चीज़ को भी समझेंगे। राजा कर रहे हैं तो गरिमामय आवाज़ होगी, गरिमामय तरीका होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होगी। आलू वाले का है तो आपकी पूरी ज़िंदगी से जैसे आलू वाला डेवलप हुआ है वो आपकी बॉडी में झलकना शुरू होगा। तो ये चीज़ें थिएटर से आप सीख सकते हैं, थिएटर से और पर्सनल प्रैक्टिस से। तो खैर अभी तो एक्टिंग इतना वाइड सब्जेक्ट है कि हम रसों पे बात करना शुरू कर दें और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे हम बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी हम शॉर्ट में थोड़ा बस इंट्रोडक्टरी बातचीत के लिए यहाँ हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई सवाल या कोई सजेशंस भी अगर आपके पास हैं तो आप हमें हमारे इसमें इनबॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और चलिए आपके एक्टिंग करियर के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।